हेलो दोस्तों फूड रेसिपीज़ में आपका फिर से स्वागत है अगर जल्दी से कोई रेसिपी बन जाए तो क्या ही मज़ा आ जाएगा सो so, आज हम बनाने वाले हैं ककड़ी के पराठे बहुत ही सिंपल रेसिपी है खाने में तो लाजवाब है ही लेकिन ये रेसिपी बनाने के लिए आपको बाहर के मसाले की ज़रूरत नहीं है जो आपके घर में है वही बहुत है तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं ककड़ी के पराठे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देख लेते हैं मैंने यहाँ पे दो प्याज लिए हैं बारीक कटे हुए है उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट दो चम्मच चार से पांच हरी मिर्च बारीक कटी हुई एक कटोरी ज्वार का आटा एक कटोरी गेहूं का आटा एक बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ यहाँ पे मैंने तीन ककड़ी ली है उसे किस लिया है मैंने अच्छी तरह से छिलके निकालने हैं आपको उसके उसके बाद उसको किसना है और थोड़ा सा धनिया अब मसाले कौन से कौन से लगने वाले हैं ये मैं आपको आगे की प्रोसेस में बता दू अब एक बड़ा कटोरा लेना है आपको उसमें जाएगा पहले ककड़ी का किस फिर जाएंगे प्याज प्याज को आपको बारीक चॉप कर लेना है उसके बाद जाएंगे टमाटर जो हमने बारीक चॉप कर लिए थे अदरक लहसुन का पेस्ट हरी मिर्च बारीक कटी हुई उसके बाद धनिया बारीक कटा हुआ अब यहाँ पे मैं थोड़ा और ककड़ी का किस लेता हूं ताकि इसे ज्यादा लोग खा सके ओटर जो हमने ली थी उसमें आराम से चार पराठे बन जाते हैं एक चम्मच मोहरी एक चम्मच जीरा नमक स्वाद अनुसार आधा चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप एक और चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो आधा चम्मच गरम मसाला अब लास्ट में इसमें जाने वाला है ज्वार काटा उसके बाद गेहूँ काटा अब इन सबको आपको अच्छे से मिक्स करना है मिक्स करते वक्त अगर आपको पानी की ज़रूरत पड़े तो आपने जो ककड़ी किस ली थी उसका पानी डाल सकते हो ताकि वो फ्लेवर बरकरार रहे एक कंसिस्टेंसी आपको बनानी है याद रखना ये बैटर हमें ज्यादा पतला नहीं बनाना है अगर ज्यादा पतला बन गया तो उसमें आप ज्वार का आटा या फिर गेहूँ का आटा डाल सकते हो उसकी कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए ये मिक्स करके हो चुका है चलते हैं मेन प्रोसेस पे एक पैन लेना है आपको गैस का फ्लेम मीडियम रखना है ऑयल लगा लेंगे इस इसपे अच्छी तरह से जैसे ही ऑयल थोड़ा गर्म होता है आपको गैस का फ्लेम लो करना है अब जो हमने पराठा बनाने के लिए बैटर बनाया था वो इस इसपे डालना है इसको हम लोग हाथ से फैलाने वाले हैं इसीलिए आपको गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि आपकी उंगलियाँ ना अब यहाँ पे एक टिप बता दूँ जब आप इसे फैलाओगे तब आपको एक कटोरी में पानी लेना है और इसे फैलाते वक्त आपको पानी में हाथ डालना है फिर इसे फैलाना है ताकि ये जो बैटर है वो अच्छी तरह से फैल जाए अगर आप ऐसे ही इसे फैलाते रहे तो आपके हाथ को ये चिपक जाएगा इसीलिए आपको पानी का इस्तेमाल करना है धीरे धीरे करके आपको इसे फैलाना है आपकी जो उंगली है उससे आपको ये फैलाना है अब ये पूरी तरह फैलने के बाद अब आपको गैस का फ्लेम हाई करना है अब इसको ढक देते हैं दस मिनट के लिए ताकि अच्छे से ये कुक हो सके दस मिनट हो चुके हैं अब इसे निकालने से पहले आपको इसके साइड में ऑयल लगाना है ताकि ये अच्छे से निकल जाए ये निकल चुका है बिना चिपके अगर ये आसानी से नहीं निकलता तो इसका मतलब ये अभी भी कच्चा है थोड़ी देर और उसे ढक के आप रख सकते हो बाद में यह आसानी से निकल जाएगा अब हमें इसकी दूसरी साइड भी फ्राई करनी है लेकिन इस बार हमें इसके ऊपर ढक्कन नहीं रखना है ऐसे ही ये फ्राई हो जाएगा साइड में इसके ऑयल लगा लेंगे ताकि दूसरी साइड भी फ्राई हो सके इसे पाँच मिनट फ्राई होने देते हैं आप देख सकते हो ये अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है ये पराठा सर्व करने के लिए रेडी है इसकी प्लेटिंग करते हैं फटाफट से है ना बहुत ही इजी रेसिपी अगर भूख लगी तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर लेना बटर डालेंगे इस पर थोड़ा सा इसे आप सॉस के साथ या फिर कोई भी चटनी के साथ खा सकते हो सर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे कर देना ताकि मेरे आने वाली रेसिपीज़ की वीडियो आप देख सको मिलते हैं अगले एक और नई रेसिपी के साथ तब तक खाते रहिए और कुछ ना कुछ बनाते रहिए थैंक यू